Four check kare boy. हम लोग चलाने वाले हैं जीप रैंगलर। हमें मिली एक पुलिस की गाड़ी, क्या हो गया? Check this out, we are already running 120. हमने कुछ कर दिया। यार मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग अभी मार्केट में थे एंड यहाँ पर अपने पे ना जाम लग जाता है, इसलिए वी आर हेडिंग आउट फ्रॉम हियर। हॉस्पिटल की सारी नर्स अपने पेशेंट छोड़ करके बाहर आ गई थी भाई, और मुझे चीटू याद आ गई। द बेस्ट थिंग इज यू नो वी हैव लाइक सिक्योरिटी भाई, और मेरे को एक बंदा बोल रहा भैया बाइक में आ जाते। मैंने कहा अगर बाइक में आता ना तो फिर पॉसिबल नहीं था भाई इधर आना। तो यार हमारे पास कुछ ही स्टिकर्स बचे थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर बांट दिए। आई एम सो सॉरी भाई, इतने सारे लोग यार, मैंने 1000 स्टिकर प्रिंट आउट कराए थे, आधे तो पहले दिन खत्म हो गए थे और आधे आज खत्म हो गए। फिलहाल गाइस भैया और ट्रैफिक जाम रुकने से बचा रहे हैं, क्योंकि इस साइड ना पूरा ट्रैफिक आ रहा है। उस साइड तो देखो भयंकर क्या सीन मच रखा है। मेरे कहा से भी फ्यूल अप करा रहा है, मैंने तो फ्यूल अप करा लिया गाइस। ये थार का 8वां फ्यूल अप था एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक 7 फॉर नाउ। लोग एक्चुअली फ्यूल अप कराने आए थे बिकॉज़ कल हम लोगों को वापस ट्रैवल करना है। अगर ये लोग नहीं होते तो क्या होता हमारा? हम गाड़ी में नहीं होते भाई। हेलो हेलो हेलो, आई यू बाय बुक, आई ब्लॉक्स, आई ब्लॉक्स, गिव साइड, गुड गुड, आई लव यू, आई लव यू। Okay, okay, okay. Hurry up, order number plate, give side. We don't have any number plate, not even a number on the plate. Please give side the most eligible and most youngest and most popular YouTuber from India. You guys, you know, 7 is coming. Please give side. The most popular Thar on the road. Red color most popular Thar is coming. Give side. तो यार बाबू भैया पूरे दिन भर के शूट निपटा करके आए अपने रूम में। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कुछ नया सीखने जा रहे होते हैं ना तो कभी देरी नहीं होती, एंड खासकर जब वो टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड होता है। एंड जब हम बात कर रहे होते हैं एडिशनल अर्निंग की, तो बाबू भैया को ना केवल ओलम ट्रेड ऐप के बारे में याद आती है। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट ओलम ट्रेड गाइज। ओलम ट्रेड एप्लीकेशन केवल एडिशनल अर्निंग के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए भी यूज होती है। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट ओलम ट्रेड गाइज। ओलम ट्रेड ना आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बेस देता है, जो कि न्यू एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए फायदेमंद रहता है। एंड अगर आपको तुरंत ट्रेडिंग शुरू करना है ना, तो ओलम ट्रेड पर एनालिस्ट होती है जो कि आपको सिग्नल देती है, एंड आप इन ट्रेडिंग सिग्नल की मदद से ना अभी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं यार। तो यार है ना कमाल की बात। एंड बाय द टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो हजारों इंडियंस इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं एंड वो अपना एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, यार मैं ओलम ट्रेड के साथ मिलकर के ना आपके लिए एक बंपर ऑफर भी लेके आया हूं। यहां पर हमारी ब्रो सेना को ना गिफ्ट लूट बॉक्स मिलेगा, जिसमें ना आपको एक पेड ट्रेनिंग टूल बिल्कुल फ्री मिलेगा, एंड आपने उसे अपने डिपॉजिट पे एक्टिवेट करा सकते हो यार। मैंने तो अपना लूट बॉक्स ना ऑलरेडी ओपन कर लिया है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप जानना चाहते होंगे कि बाबू भैया को लूट बॉक्स में क्या मिला यार। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आपके बाबू भैया को मिला एक्सपर्ट स्टेटस। लेट मी जस्ट टेल यू यार, एक्सपर्ट स्टेटस में ना मेरे को 10% हायर प्रॉफिट के साथ साथ एक महीने में ना 4 बारी एनालिस्ट को कॉल करने की फैसिलिटी भी मिलती है, जिनकी पर्सनल काउंसलिंग की मदद से ना बाबू भैया स्मूथली ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्टेटस की कॉस्ट है ना, ये $500 है, लेकिन आपके बाबू भैया को ये एकदम फ्री मिला यार। थैंक यू सो मच ओलम ट्रेड फॉर दिस। अगर आप लोग भी ओलम ट्रेड पर एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने ओलम ट्रेड का लिंक दे रखा होगा। अगर आप वहां से जाकर साइन अप करते हो, अगर आप अपने बाबू भैया का कूपन कोड A30 यूज करते हो अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर, तो आप अपना प्रीशियस लूट बॉक्स भी खोल सकते हैं। तो यार फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, ओलम ट्रेड से साइन अप करो, एनालिस्ट के सिग्नल का यूज करो और मस्त एक्स्ट्रा इनकम और प्रॉफिट कमाओ। हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? आपको सेफ्टी के लिए तो हम लोग खड़े हैं ना यहाँ पे। सभी हम लोग वापस सेफ पर व्यू में आए, अगर इधर भीड़ ना बहुत। तो यार मैं लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ की सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। तो यार हम लोग वापस पहुंच चुके हैं सेपोन में, एंड अब मैं आपको बताता हूँ, रात का भी एक इवेंट हम लोगों ने अटेंड करना था। यहाँ पर बहुत 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 भीड़ है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 लाख से ऊपर लोग हैं। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस इवेंट में इतने लोग भी आ सकते हैं। असम में सबसे बड़ा मीटअप है ये, सबसे बड़ा। और मैं आपको बताता हूँ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिक्योरिटी और डबल हो गई है। आगे ना लोग गन लेकर के चल रहे हैं, ऑनेस्टली वो देख रहे हैं आप सबसे आगे, वो ना वो भाई गन लेकर के चल रहे हैं। सब UK7 भैया के लिए है, बाबू भैया के लिए है, जो सिक्योरिटी यहाँ पे एनहेंस किया है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के ऊपर लोग आए हुए हैं, 5 लाख के ऊपर। कोई नहीं, कोई नहीं,
ये चेक करो भाई, भयंकर ऑडियंस आ रही है। कालो किस मारे लिमाई बांधे कोरी बाना इमलाई हृदय रैली माई बीताऊना जीवन कालो किस मारे लिमाई बांधे कोरी बाना इमलाई हृदय रैली माई बीताऊना जीवन। खैर अभी हम लोग वापस पहुंच चुके हैं सिपोन के स्टेज में। हम लोग जब दिन में आए थे ना यहाँ पर तो भीड़ ठीक ठाक थी, बट अभी जो भीड़ दिखाने वाला हूँ आपको उससे आपके होश उड़ जाएंगे बिकॉज हम स्टिल इन शॉक। तो अभी हम लोगों को स्टेज में बुला रहे हैं गामोशा गामोशा देने के लिए, दिलाते हैं आपको भीड़ से। और तो गाइस सब लोगों की एंट्री हो चुकी है, बस मेरी एंट्री बची है। अभी इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके बाद बाबू भैया की एंट्री होने वाली है स्टेज पर। बस नर्वस हो रखा मैं, बट दिल दुख 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 कर रहा है। रॉक द स्टेज, रॉक द स्टेज, खत्म खत्म होने वाला है। क्रेजी सीन मच रखे भाई यूट्यूब पे, क्रेजी सीन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने सारे लोग होंगे, बट अभी आपको एक स्टोरी चेक कराएंगे भाई। तबाही तबाही। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है और आपको पता है बाबू भैया भी आए थे अपने आसाम टूर पर, और अभी हम लोग सेपोन कॉलेज में बीहू के लिए। और जो चीज मैं आपको चेक कराने वाला हूँ वो चेक करे बॉय। हम लोग यहाँ से निकल रहे फाइनली इतने उसके बाद बहुत मुश्किल होने वाले मैले निकलने के लिए। तो यार जाना इम्पॉसिबल हो चुका है मेरे लिए बिकॉज बाहर इतने लोग हैं ना भाई, सब लोगों ने दरवाजा ब्लॉक कर लिया। एंड मेरे को भी मेरी बॉडी इतनी हीटअप हो गई ना स्टेज पे हम लोगों ने। तो यार फाइनली हम लोग निकल के आ चुके इवेंट से, एंड मैं आपको बताता हूँ इस इवेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दो लड़कों ने ली थी। फर्स्ट वी हैव गॉट आमलान भाई, इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करा। और दूसरे हमारे समीरन भाई, ये हमारे दूसरे समीरन भाई है, इन दोनों ने भाई इतना सही से मैनेज करा। थैंक यू सो मच भाई फॉर इन्वाइटिंग, एंड थैंक यू सो मच आमलान भाई। एंड बाकी गाइस फ्यूचर में आपको बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट दिखने वाले। सर अभी हम लोग खाना खाने आए थे, एंड लेट मी जस्ट टेल यू यहाँ पर 101 प्रकार के पकवान रखे हुए हैं। ये टेबल वहाँ से शुरू होती है एंड वहाँ तक जाती है,
एंड सबके ऊपर आसामीज में लिखा है, तो आई रियली डोंट नो किसके अंदर क्या है, तो मैं इन लड़कियों से पूछ रहा हूँ किसके अंदर क्या है। तो यार हम लोगों ने ऐसे खाना खा लिया एंड लेट मी जस्ट टेल यू, अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे छूट करके वापस एक शो देखने के लिए। एक्चुअली एक बहुत बड़े सिंगर आ रहे थे तो हम लोग उनका एक गाना देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बट बाहर क्राउड बहुत ज्यादा है गाइस, एंड जिन भैया के साथ जो मेरा हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे ना, वो अब जा चुके हैं, तो आई डोंट नो क्राउड कंट्रोल कैसे होगा। फिलहाल बाउंसर्स तो हमारे पास, बट सीन बहुत हेफ्टी हो रहा है एंड निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सेपोन के पास से। हम लोग अभी भी अपने होटल्स में ही थे। मैं आपको बताना गाइस अभी दिन के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 एंड मैंने अपना ब्लॉग भी अपलोड कर दिया गाइस। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, सारा सामान पैकअप हो रहा है बिकॉज आज हम लोगों को वापस निकलना है गुवाहाटी में एंड उससे पहले हम लोगों को बहुत सारी जगह और भी जानी है। तो टुडे इज गोना बी अ मेसी डे फॉर अस। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ रिस्पॉन्स इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। भाई गलती सीन मचा रखा है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब हम लास्ट टाइम शिव सागर में आए थे ना, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। बट मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ है भिक्कू इंदसारा और भांटे बाबा जी एंड इन्होंने लास्ट टाइम हम लोगों को ना शिव सागर में बहुत हेल्प आउट करा था। हमारा स्टे से लेकर के सिक्योरिटी तक ही मैनेज, तो थैंक यू सो मच बाबा जी हेल्प आउट करने के लिए। हमेशा है और आशीर्वाद भी बहुत है, और भी आगे बढ़िए और आसाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और फ्यूचर में और भी आगे बढ़िए और आशीर्वाद हमेशा आपका साथ आपके साथ है। थोड़ा ब्लॉग में लेकर दीजिए। तो गाइस भाई भी मिला हमें मस्त एकदम फुल पावर। बहुत भैया तो बिग फैन हूं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी भैया। थैंक यू सो मच भाई। ओके बाय बाय। ब्लॉग में आएगा? हां आएगा भाई। शेयर मैं लोगों को बताता हूं, अभी हम लोग जा रहे हैं भांटे बाबा जी के यहां। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ही इज वन ऑफ द पावरफुल मेन दैट वी हैव हियर एंड उन्होंने ना अभी हमें अपने घर में इनवाइट करा है। तो यार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड हमारा शेड्यूल ना बहुत टाइट है। फिलहाल आज हमारी थार चला रहा है समीरन भाई। समीरन भाई कुदाना नहीं है कल की तरह, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नीड फॉर स्पीड नहीं चल रही है भाई। समीरन भाई मैंने लास्ट टाइम 3 दिन में आसाम पहुंचाई थी ना, तो ये 1.5 दिन में आपको आसाम पहुंचा देंगे गाइस, इतना भयंकर गाड़ी चला देना है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे कल की मीटअप वाली लोकेशन में। ये कितनी खाली खाली लग रही है ना जगह, और कल यहाँ से पूरी लोगों की लाइन थी एंड वहां तक अंदर लोग पूरे भरे हुए थे एंड आज फिर से हम लोग वहीं पर जा रहे हैं भाई। कल ये ग्राउंड ना पूरा भरा हुआ था आराम से भाई। समीरन भाई एनएफएस गाइस एनएफएस खेल रहे हैं हम लोग। तो बॉयज वो देख रहे हैं आप हमारी थार एंड उसका बाप यहाँ पर खड़ा है। वी हैव गॉट अ जीप रैंगलर एंड ये जीप रैंगलर भी भैया की है भाई, खतरनाक। इसके अलॉयज मॉडिफाइड कराए आपने भाई? चेक दिस आउट भाई, कभी फ्यूचर में हम लोग ये भी लेंगे, बट इट लुक्स सो कूल मैन, अमेजिंग। बॉयज हम लोग चलाने वाले जीप रैंगलर, दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम राइडिंग दिस। नो नो, क्या बड़ी गाड़ी देखी नहीं लोग आ गए भाई, ये तो बड़ी गाड़ी देखी नहीं लोग आ गए। ऑटोमेटिक है राइट? ऑटोमेटिक है। ओके पार्किंग राइट, स्टार्ट यहीं से राइट। दिस इज द ब्रेक एंड दिस इज द स्पीड। हां ओके कूल कूल। ओके एंड देयर इज नो क्लास ना? ओके ओके हां ठीक ठीक। अभी ब्रेक दबा के एंड दिस लेग इज यूजलेस, जस्ट कीप इट फ्री। ठीक ठीक ओके कूल। इसको ब्रेक करो अभी, अभी प्रेस द ब्रेक। ओके मैं मैनुअल गाड़ी तो बहुत चला चुका हूं, बट यू नो ऑटोमेटिक में भी थोड़ा सा मेरे को इशू होता है स्टार्ट करने में, बाकी तो रेस्ट इज द सेम गाइस। एंड आपको बता दो, जब आप मैनुअल गाड़ी रन कर रहे होते हैं तो समीरन भाई लेफ्ट लेग पूरा यूजलेस हो जाता है राइट? लेफ्ट लेग फुल यूजलेस, ये है ही नहीं, बस इसको आराम दो। चला के आते गाइस इसे, तो रिवर्स करने के लिए इसको प्रेस करा समीरन भाई, देन दिस इज द रिवर्स राइट? या ओके गाइस, सो नाउ यू कैन गाइस राइडिंग जीप रैंगलर। बल्ले बल्ले, और क्या बचा गाइस आसाम में अगर के आर के। और मैं आपको बताता हूँ, मैं ये रैंगलर किसी यू नो लाइक नॉर्मल इंसान की नहीं चला रहा हूँ, ये मैं चला रहा हूँ भैया की, जिन्होंने हमारा पूरा मैनेज करा है, पूरी सिक्योरिटी मैनेज करी है। क्वालिटी देखो इसका, स्पीड क्रेजी है। तो आप लोग, हम लोग अभी जा रहे हैं जीप रैंगलर में बाहर, राइडर इज राइडिंग द रैंगलर। बाय गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे फर्स्ट टाइम है रैंगलर चलाने का, क्या पावर है, मैं पुल कर सकता हूँ समीरन भाई करके देखो ना भाई, ये शिट मशीन है भाई। लेट्स गो बॉय, समीरन भाई के साथ हम लोग रैंगलर की एक राइड लेने वाले हैं, इसके पुल करके देखते हैं कितना स्पीड जाती है। वी आर ऑलरेडी रनिंग 100 बॉयज, 110 एंड दैट विल बी 120 बॉयज, खतरनाक बॉयज। चेक करें, मैं आप लोगों को ना इसका स्पीड चेक दिखाता हूँ, ये कितनी जल्दी पुल हो रही है भाई, ये चेक करें बॉयज। एंड एक्चुअली इट्स एन ऑटोमेटिक, जो गियर चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना वो भी बहुत स्मूथ है यार। चेक दिस आउट बॉयज, चेक दिस आउट, वी आर ऑलरेडी रनिंग 120। वूहू, सो मेरे को दिलो माया बम्बई जाने लो, सो मेरे को दिलो माया। ओके गाइस मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी से। भाई क्या मस्त है इसका स्पीड,
140 तो ऐसे पुल हो रहे भैया, बहुत खतरनाक मशीन बनाया भैया आपने, बहुत खतरनाक। मतलब लिया है हम लोग का इस फर्स्ट कॉपी चला रही है, ओरिजिनल चला रही है। हम गरीब लोग है ना एक्चुअली, फर्स्ट कॉपी का। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग जो सेपन व्यू में जो माजुली आए थे ना, ही इज द मैन हु होल्ड सच अ ह्यूज इवेंट। एंड अभी क्या है भैया, खाना 30 तक का थी। ओके, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है राइट? हां, असम का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। सही। सो गाइस वी हैव दिस टी और इनको हम लोग घर लेके जाएंगे पापा के लिए। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। भाई भैया ने ना बहुत सारी चीजें मैनेज करी हैं, बहुत ध्यान रखा है, हम अगली बार भी पक्का मिल जाएंगे भैया आपसे। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भैया की बेटी है ना वो दिल्ली में रहती है, अभी मेरी उनसे बात हुई, वो भी ट्रस्ट मी टफ होगा, हमारा मिलने का प्लान बना दिल्ली में, तो अगर हुआ कुछ तो हम लोग दिल्ली में भी मिले। सो यार नाउ इट इज द टाइम टू फाइनली से गुड बाय टू सेपन, एंड भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। भैया फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा ध्यान रख लेके। कल ना इतने सारे लोग थे ना, एंड भैया मेरे को हाथ पकड़ के लेकर के गए, रास्ते में किसी ने टच भी नहीं करा, मैं तो शॉक हो गया था, मेरे को तो नहीं लग रहा था भैया मैं क्रॉस कर पाऊंगा, बट फिर भैया आ गए बचाने के लिए तो हम निकल गए। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं वापस गुवाहाटी, हमें मिली एक पुलिस की गाड़ी, क्या हो गया? What's up? कैसे हैं भैया? हाँ ले सर, मेरे को तो लगा हमने कुछ कर दिया, हमें आसान से पुलिस पकड़ रही है। नहीं, हमारा पेट्रोलिंग ड्यूटी है, हमने देखा है यूके राइडर, ओ वाह भैया कैसे? बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चलिए, ओके हम भैया को मिल के आते हैं। शुक्रिया भैया, बढ़िया से मेरे हाटी जा रहा है। विकास भैया नहीं, विकास पीछे पीछे है ना? हाँ जी। तो यार हमें मिली अभी आसाम की पुलिस, एंड भैया मैं तो डर गया था, मैंने कहा हम जा रहे हैं जेल आज। तो यार ब्लॉग तो खत्म हो गया, लेकिन ओलम ट्रेड से साइन अप करना मत भूलना, और अपने बाबू भैया का कूपन कोड A30 यूज करोगे तो आप मस्ट एक्स्ट्रा इनकम और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो गो एंड साइन अप इन ओलम ट्रेड गाइस।